नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता को अपनी तरफ कर लिया। दरअसल प्रियंका गांधी की मेहनत का असर है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता खुलकर प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुलकर कांग्रेस के समर्थन में बात करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस जिस तरह बदलाव कर रही है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह जनता का साथ लिया है, इससे कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आएगा। लेकिन चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर यहाँ पर यह भी देखी जा रही है कि कांग्रेस अभी जल्द ही मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। और खबरें यहाँ तक हैं कि पूनम पंडित हैं जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकती हैं। यानी कि पूनम पंडित जो बीते काफी समय पहले बीजेपी के साथ थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ जुड़ गई, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह काम किया है, कांग्रेस जिस तरह काम करती नजर आ रही है, प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही है उसी मेहनत का असर है कि प्रियंका गांधी को देखते हुए पूनम पंडित ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बहुत बड़ी शूटन है पूनम पंडित, और पूनम पंडित ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब योगी की सरकार नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि अब की बार बदलाव हो, और बदलाव इस बार दिखता भी नजर आ रहा है। बहुत बड़े हद तक पूनम पंडित पर कांग्रेस पार्टी दांव खेल सकती है। पूनम पंडित को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि पूनम पंडित भी महिला है, और पूनम पंडित खोलकर इस वक्त मोदी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साध रही है। खोलकर वो ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जनता कितने बड़े हद तक परेशान है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनता कितने बड़े हद तक परेशानियों का सामना करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर पूनम पंडित को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जी हाँ, पूनम पंडित हैं जो लगातार इन दिनों चर्चाओं में, किसान आंदोलन के समय से पूनम पंडित फेमस हुई है। यानी कि किसान आंदोलन के समय से एक और राकेश टिकैत जहाँ बहुत ज्यादा चर्चाओं में आए, बहुत ज्यादा लोकप्रियता राकेश टिकैत की बन गई, तो ऐसे में पूनम पंडित भी हैं जिनकी लोकप्रियता किसान आंदोलन से बनी है। और कांग्रेस को लेकर उनका कहना है कि कांग्रेस जिस तरह काम कर रही, जिस तरह प्रियंका गांधी मेहनत करती नजर आ रही है, ऐसी मेहनत तो किसी और राजनीतिक पार्टी के नेता ने किया ही नहीं है। तो यहाँ पर पूनम पंडित पर बड़ा दांव खेला जा सकता है। हालांकि पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह से इस पर आकलन दिखता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो पूनम पंडित को आगे ला सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी मुख्यमंत्री बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत स्थिति कांग्रेस की जाए। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए, और ऐसे में प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी सीधे मोदी से टक्कर देना यहां पर दिखता नजर आ रहा है, मोदी को टक्कर देती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। तो बहुत बड़े हद तक क्या देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी है जो जनता के साथ खड़ी है, किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी है जो खुलकर जनता की आवाज बनी हुई है। प्रियंका गांधी के एक एक ऐलान का असर है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ चुकी है। तो यहां पर यह देखा जाए कि चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने कई ऐलान किया है। यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि हिंदू वोटर्स भी अब की बार रुख पलट रहा है, यानी हिंदू वोटर्स भी अब यह समझ चुका है कि बीजेपी केवल धर्म और जाति की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में फंसना नहीं है, और इसलिए आज हिंदू वोटर भी कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हार मान ली है, वो हार मानते नजर आ रहे हैं, यानी प्रियंका गांधी से हार मान चुके हैं। आज बीजेपी खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है, बीजेपी केवल अब हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य बात करते हैं कि टोपी और लुंगी की बारी अब, यानी कि किस तरह से टोपी और लुंगी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब काशी का मुद्दा है, अब काशी में मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम टोपी और मंदिर मस्जिद की बात करने वाले ये बीजेपी के नेता साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरह से इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और केवल ये क्या कर रहे हैं, चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता इस बार ये देख चुकी है कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर भी खुलकर प्रियंका गांधी के समर्थन में उतर आया, खुलकर कांग्रेस को समर्थन देता नजर आ रहा है। हिंदू वोटर भी हैं जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, आज इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। हालांकि वो बात अलग है कि प्रियंका गांधी ने अभी तक
ये ऐलान नहीं किया है कि कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करेगी, किस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन निभाती नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ काम हो रहा है, बहुत सोच समझ कर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, क्योंकि 2017 के समय जो नुकसान हुआ उस नुकसान को यहाँ पर दोहराया नहीं जा सकता। तो कांग्रेस जो है वो 300 प्लस पार तो करती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कांग्रेस की तरफ से किए जाने, कई ऐसे ऐलान हैं जो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किए जाने, और यही ऐलान है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की तकदीर बदलता नजर आएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी स्थितियां बनती नजर आ रही है, लेकिन बहुत सोच समझकर प्रियंका गांधी भी काम कर रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि अगर पूनम पंडित को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आगे किया जाता है तो जनता का रिस्पांस कैसा रहेगा, जनता कैसा जो है फैसला लेगी, लेकिन अभी केवल इस तरह का आशंका लगाई जा रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर जिस तरह से बात की है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के समर्थन में जिस तरह से बात की है, ठीक उसी तरह से पूनम पंडित ने भी महिलाओं के समर्थन में बात की, ठीक उसी तरह से पूनम पंडित भी महिलाओं के समर्थन में दिखती नजर आई। तो बहुत बड़े हद तक क्या देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक और जहां खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर रही है, खुलकर प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि आज उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। माहौल बदलने में प्रियंका गांधी का ही बहुत बड़ा योगदान है, उनकी मेहनत है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने राजनीति को एक तरफ रख के जनता के लिए सबसे पहले काम किया है, जनता के लिए वो जुड़ती चली गई, युवाओं की आवाज उठाई, चाहे अल्ताफ का मामला हो, अमन त्रिपाठी का मामला हो, सभी के मुद्दों को खूब प्रियंका गांधी ने उठाया। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा ना कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को इंसाफ दिलाने पर तुली है, उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं घटती है प्रियंका गांधी उस पर तुरंत बोलती है, लेकिन योगी सरकार चुप रहती है। यहाँ पर यह भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी उसमें बीजेपी मंत्री के बेटे का हाथ था, लेकिन बीजेपी के मंत्री को उनके पद से नहीं हटाया गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में TAT पेपर जो लीक हुआ उसमें बीजेपी विधायक के भाई का नाम शामिल है, बीजेपी विधायक को अभी तक उनके पद से नहीं हटाया गया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि किस तरह से बीजेपी आँख मिचोली का काम कर रही है, चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद करना शुरू कर दिया है, टोपी लुंगी करना शुरू कर दिया है, लेकिन जनता इसमें फंसने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि ये केवल एक लॉलीपॉप दे रहे हैं और ये लॉलीपॉप उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता जो समझ चुकी है ना, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बड़े हद तक फैसला करती नजर आ रही है, उसका ही असर है कि आज जनता ये मूड बना रही है कि इस बार बदलाव किया जाए। दरअसल देश में भी लगातार जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी अर्थव्यवस्था खराब है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है, बहुत सारे जनता है जो महंगाई के तले आज दबती नजर आ रही है, लेकिन योगी सरकार ऑल इज वेल बताती है। तो ऐसे में इस बार जनता प्रियंका गांधी को मौका देने की बात कर रही है और कांग्रेस को फायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।